पोस्ट में आपके साथ में मैं हूं नामिका। राष्ट्रीय जनता दल में इन दिनों लालू के बड़े बेटे यानी कि तेज प्रताप यादव और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बीच आर पार की लड़ाई जो है वो छिड़ गई है। तेज प्रताप के बयान से नाराज के कारण जगदानंद सिंह एक सप्ताह तक पार्टी कार्यालय नहीं पहुंचे थे। कई अटकलें लगाई जाने शुरू हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही पार्टी कार्यालय पहुंचे पार्टी में एक बड़ा मोड़ सामने आया। जगदानंद सिंह ने छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव को तत्काल हटा करके नए छात्र नेता गगन कुमार को छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया। आकाश यादव को हटाने के साथ ही तेज प्रताप यादव आग बबूला हो गए और जगदानंद सिंह के खिलाफ खुल करके मोर्चा खोल दिया। ये लड़ाई तब और तेज हो गई जब जगदानंद सिंह ने तेज प्रताप यादव को लेकर के पूछे गए सवाल पर कहा कि हु इज तेज प्रताप यादव। अब इस इतना सब सुनने के बाद तेज प्रताप चुप कहां बैठने वाले थे। आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और जगदानंद सिंह पर सीधा पर सीधा वार करते हुए कहा कि वो तानाशाह की तरह काम करते हैं, पार्टी का संविधान भूल गए हैं, पार्टी के लिए खून बहाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि आकाश यादव कौन है जिसको लेकर के तेज प्रताप ने बगावती रुख अपना लिया है। आकाश यादव तेज प्रताप यादव के बेहद करीबी और दाहिना हाथ माने जाते हैं। तेज प्रताप यादव को जब छात्र राजद की कमान मिली तो आकाश यादव को पिछले साल छात्र राजद के अध्यक्ष बनाया। जगदानंद सिंह जब से प्रदेश अध्यक्ष बने तब से छात्र राजद के अध्यक्ष पद पर किसी का चयन नहीं किया गया था। 8 अगस्त को छात्र राजद के पार्टी कार्यालय में हुए बड़ी बैठक में पार्टी कार्यालय के बाहर लगे बड़े बड़े होर्डिंग्स में तेजस्वी की तस्वीर गायब थी। छात्र राजद की बैठक आकाश यादव के द्वारा बुलाई गई थी, जिसमें तेज प्रताप यादव ने पहुंच करके जगदानंद सिंह को हिटलर तक बताया था। शहर भर में पोस्टर लगाने के बाद तेजस्वी यादव नाराज बताए गए थे। बैठक के बाद अगली सुबह आनंद फानंद में होर्डिंग को हटाया गया और तेजस्वी की तस्वीर वाली होर्डिंग लगाई गई, जिसमें तेज प्रताप की तस्वीर गायब थी। जगदानंद सिंह और तेजस्वी की नाराजगी का नतीजा आकाश को छात्र राजद से बाहर का रास्ता दिखाना है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।